गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन. सो टुडे वी विल डिस्कस ऑर्डरिंग नंबर्स. ओके, सो एवरीबॉडी टेक आउट पेज नंबर 29. ऑर्डरिंग नंबर्स का मतलब होता है नंबर्स को अरेंज करना. ओके, नंबर्स कैन बी अरेंज्ड इन टू वेज. जो हमारे नंबर्स होते हैं वो टू वेज में अरेंज कर सकते हैं हम. एक होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर और दूसरा होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो सबसे पहले जो है हम किस में करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा. इस टाइप से इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है स्मॉल टू बिग. जैसे कि ये देखिए आप, लेट अस अरेंज 112, 112, 67, 312 एंड 196 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. हमने इसको करना है सबसे पहले छोटा. इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको हमने अरेंज करना है. तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 61. फिर इससे बड़ा है 112, इससे बड़ा है 196, फिर है 312. ये हमारा हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर. जैसे देखिए, ये छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा. नाउ टर्न योर पेज. स्टेप टू, नाउ फाइंड द नेक्स्ट ग्रेटर नंबर, इट इज 112. राइट वन वर्ड अप. स्टेप थ्री में 196 आ गया, ये मैंने आपको पहले बता दिया है. स्टेप फोर में 312 आ गया. तो सो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर इज 67 112 196 312. अब डिक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है बिग टू स्मॉल, बड़े से छोटा. ओके, अब इसकी एक्सरसाइजेस देखिए. अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, 79, 167, 407 और 87. तो इसमें सबसे छोटा है 79, फिर 87 है, फिर 167 है, फिर 407 है. ओके, बी 921, 803, 520, 502. सबसे छोटा है 502, फिर 520, फिर 803, फिर 921. सी 348, 151, 275, 481. सबसे छोटा है 151, फिर है 275, फिर 348 और फिर 481. अब डी सबसे छोटा है 81, फिर उसके बाद 151, फिर 177, फिर 914. अब डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया बड़े से छोटा. अब इसमें जो आएंगे वो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा. ओके बच्चों, अब आपकी ये वर्कशीट है, ये आपको अपने होमवर्क में करनी है. ओके, अब आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है. ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ कंप्लीट चैप्टर नंबर 1. टिल देन टेक केयर, गुड बाय.